भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। हेलो ट्रेडर्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम स्टॉक का जो भी वेबसाइट है, जैसे हम आप लोग लॉग इन करते हो कैसे ट्रेड करना है, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा एम स्टॉक के वेबसाइट में। और यहाँ में कुछ सर्विस का भी रिव्यू मिल जाएगा कि जैसे हम लोग डेस्कटॉप साइट में लॉग इन करते हैं एम स्टॉक के किसी भी ब्राउजर से, तो यहाँ में क्या अपना जो भी ट्रेडिंग है वो स्मूथली होता है या फिर नहीं होता है। बाकी थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल और लाइव ट्रेडिंग पोजीशन एंट्री और एग्जिट करके दिखा दूंगा। तो एम स्टॉक जैसे आप लोग यहाँ में वेबसाइट में लॉगिन करोगे, सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोगों को अपना फंड कैश दिख जाएगा, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और कुछ भी पोजीशन है इक्विटी का तो वो यहाँ में होल्डिंग में दिख जाएगा। बाकी नीचे आप लोगों को इंडेक्सेस दिखती हैं, दो एक ग्लोबल इंडेक्स साइड में दिखेगी, डाउ जोन्स, नैसडैक, S&P और इधर इंडियन इंडेक्स यहाँ में दिख जाएंगे। तो यहाँ में नीचे रेफर एंड अर्न और स्टॉक्स का कुछ रिकमेंडेशन, फिर यहाँ में होम पेज में आप लोगों जो मार्जिन ट्रेडिंग है उसका भी यहाँ में एडवर्टाइजिंग किया है एम स्टॉक वालों ने। तो मार्जिन लेके अगर ट्रेड करना चाहते हो एम स्टॉक में कर सकते हो, बहुत ही कम चार्जेस लेती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स। तो सिंपल सी चीज़ें अभी स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ में कोई भी वॉच लिस्ट में आप लोग कोई भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो, स्टॉक्स या फिर आपकी कुछ भी फेवरेट जिसको ट्रैक करना चाहते हो तो उसको ऐड कर सकते हो। फिर ऑर्डर्स में जाके आप लोग यहाँ में अपने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स देख सकते हो, जो भी ऑर्डर्स आपने पंच किए थे, कितने रुपए में बाइंग हुई, कितने रुपए में सेलिंग हुई, ऑर्डर्स में एग्जीक्यूटेड सेक्शन में दिख जाएंगी। फिर पोजीशन में तो अपना पोजीशन दिखता ही होगा, जो भी आपने आज पोजीशन बनाई होंगी। फिर पोर्टफोलियो में आपने जितने भी स्टॉक्स होल्ड करके रखा है इक्विटी का होल्डिंग यहाँ में दिख जाएंगी। फिर फंड्स में आप लोगों को फंड्स दिख जाएंगी, बाकी म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड है ही। तो आप लोग जैसे थ्री डॉट आइकन में लेफ्ट में क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ में रिपोर्ट मिल जाएंगी, रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जो भी रिपोर्ट आप लोगों को चाहिए है, ट्रेड हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट नोट और वगैरह वगैरह रिपोर्ट्स यहाँ में आप लोगों को मिल जाएंगी। बाकी डीमैट कुछ आईडी के नंबर कुछ डालना है तो प्रोफाइल में क्लिक करना, आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। अभी देखो मैं आप लोगों को लाइव ट्रेड पंच करके दिखाऊंगा, फिर एग्जिट करके भी दिखा दूंगा। तो यहाँ में एक प्रॉब्लम है, देखो जैसे हम लोग एम स्टॉक के वेबसाइट में यहाँ में ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत है कि ऑप्शन चेंज डायरेक्ट मिलता नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग इंडेक्स में ऐसे क्लिक करोगे बैंक निफ्टी के, तो यहाँ में जो चार्ट है चार्ट ओपन होता है, तो ऑप्शन चेंज यहाँ में आप लोगों को डायरेक्ट इजीली मिलता नहीं है बाकी ब्रोकर की तरह। तो यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ में, अगर यहाँ में भी आप लोग क्लिक करोगे एक चार्ट का ऑप्शन है और एक डिलीट का ऑप्शन है, चार्ट में क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ में कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ऑप्शंस में ट्रेड कर सकें डेस्कटॉप मोड में। तो हम लोगों को यहाँ में एक ही चीज़ करना पड़ेगा, चार्ट आप लोग देख लो कितने प्राइस में ट्रेड हो रहा है, फिर वो देखने के बाद आप लोगों को कौन सा प्रीमियम बाय करना है वो आप लोगों को अंदाज़ा लगाना है। 46,600 में ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो अगर आप लोगों को एट द मनी का बाय करना है तो 46,600 यहाँ में हम लोग सर्च कर देंगे, ठीक है। 46,600 जैसे हम लोग बाय करेंगे, देखो 21 फरवरी तो यहाँ में आप लोगों को जो भी एक्सपायरी है वो चेक कर लेना है, नहीं तो लंबा वाला बाय हो जाएगा गलती से। तो 21 फरवरी का हम लोग यहाँ में ऐड कर देंगे, तो इसको जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये प्रीमियम कॉल का भी पुट का भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ में ऐड हो गया, तो यहाँ से हम लोग सिंपली बाई कर सकते हैं, बाई करने के बाद पोजीशन में हम लोग को दिख जाएंगे। तो ये ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आप लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सर्च करने के बाद, और चार्ट में आप लोगों को चार्ट दिख जाएंगे। तो ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए मैंने कह दिया आप लोगों को कि सर्च करना पड़ेगा जो भी ऑप्शन आप लोग बाई करना चाहते हो, फिर मार्केट ऑर्डर में आप लोग इजीली बाई कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों को ट्रेड पंच करके दिखाऊंगा। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग इजीली ट्रेड ले लोगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टॉक्स में, क्योंकि FNO मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है तो मैं क्या ही ट्यूटोरियल आपको लेके दूंगा, है ना। अभी स्टार्ट करते हैं कि एम स्टॉक में जैसे हम लोग आते हैं, किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स को चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ में हम लोग ने PNB को चूज़ किया। फिर यहाँ में ऑर्डर्स की बात आती है, हम लोग इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं डिलीवरी में, तो हम लोग करने वाले हैं ट्रेड। तो डे ट्रेड इंट्राडे हम लोग करेंगे, क्वांटिटी लगा देंगे जो भी क्वांटिटी आप लोग करना चाहते हो। फिर यहाँ में ऑर्डर टाइप देखो, मार्केट ऑर्डर है, और कुछ एडवांस ऑप्शन अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे कि SL लिमिट लगा सकते हो, SL मार्केट। तो लिमिट हम लोग नहीं लगाने वाले, मैं नॉर्मली मार्केट ऑर्डर में ट्रेड करता हूँ, तो मार्केट ऑर्डर में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ में रिक्वायरमेंट थोड़ा सा मार्जिन हम लोग को ब्रोकर दे रहा है इंट्राडे में, पंजाब नेशनल बैंक में थोड़ा सा कम मार्जिन है लेकिन ठीक है, करीब 2x का मार्जिन ये शायद दे रहा है, हाँ। तो यहाँ में हम लोग कुछ भी लिमिट नहीं लगाएंगे, सीधा बाइंग में क्लिक करेंगे। तो यहाँ में देख लो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये ऑर्डर हम लोग कहाँ में देखेंगे, जैसे हम लोग ऑर्डर्स में जाएंगे
एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में हमें डे ट्रेड में हमें दिख गया है बाइंग हुई है 129.25, ठीक है। तो पोजीशन में जाते हैं, फिर पोजीशन हम लोगों का रनिंग हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ में हम लोग ट्रेड पंच करते हैं, पंच करने के बाद एग्जिट कैसे करना है, सिंपल सा इसको सिलेक्ट करेंगे एग्जिट। रुको, अगर आप लोग इंट्राडे स्टॉक्स में बाइंग करते हो ना, तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी डिटेल्स यहाँ में हम लोग जाके देख सकते हैं, टोटल पीएनएल, फ्री रियलाइज पीएनएल, अनरियलाइज पीएनएल, सेल एवरेज, बाइंग एवरेज वगैरह वगैरह। बाकी पोजीशन जैसे हम लोग एग्जिट करना है, एग्जिट में थोड़ा बहुत बता दूंगा आप लोगों को एज ए बोनस। तो एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। टाइप देखो, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है ना। एक लिमिट सेट करते हो आप कि इतने प्राइस में, प्राइस पॉइंट में पहुंचेगा तो हम लोग उसको सेल कर देंगे। बाकी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी है, मार्केट ऑर्डर में भी वही होता है, मार्केट प्राइस जो भी चलता रहेगा उसमें आप लोगों को पोजीशन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में अगर स्टॉप लॉस लगाए 129, स्टॉक मूव ही नहीं हो रहा है, क्या ही स्टॉप लॉस लगा के दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ में नॉर्मली हम लोग मार्केट प्राइस में ही इसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। बाकी बात करें तो डे ऑप्शन है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, चलो स्टॉप लॉस ही एक हिट करा के दिखा देते हैं, 129.20 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ में स्टॉप लॉस लगा के हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, एसएल मार्केट ऑर्डर में। चलो तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो चुका है, ऑर्डर्स में हम लोग जाएंगे। तो ये देखो हमारा स्टॉप लॉस है, सेल ऑर्डर लग चुका है। जैसे ही ये पंजाब नेशनल बैंक 129.20 टच करेगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो 129.25 में चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं, स्टॉप लॉस गया, ठीक है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, क्योंकि इसने यहाँ में टच किया था। और पोजीशन में अगर हम लोग जाएंगे तो पोजीशन फिर से क्लोज हो चुका है। तो ऐसे आप लोग ट्रेड्स इजीली पंच कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। मैंने एक थोड़ा सा लाइव डेमो आप लोगों को दे दिया। तो आप लोगों को कौन सी चीज़ चाहिए वेबसाइट वेब ट्रेडिंग के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बता पाऊंगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में वेब ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है।